रिंकल है ये, इसकी तो लाखों में कीमत इस हिसाब से जाएगी, तो लाखों में कीमत है। वो तो रखा भी इनके लिए ये। अच्छा, ये कितना रखा है आपने इसमें, मेल कितना रखा है इसमें? ये एक रखा है, ये दूसरा वो ये है ना, वो दिखाया मैंने अभी वो। अच्छा, सिंह वाला। तो हम है कुलगाम जयपुरा में, मोहम्मद अकरम साहब जो एक्स सर्विस मैन है जेके पुलिस के, तो आप ये भेड़ों के साथ काम कर रहे हो, तो इनसे मैंने बात की। जो मेरिनो जो मेरे हाथों में आप जो देख रहे हैं, इसको मेरिनो कहा जाता है, वर्ल्ड की सबसे टॉप ब्रीड में से एक ब्रीड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाचा जी के साथ बात की जाए, ये एक्स सर्विस मैन भी और साथ में इन्होंने आप भेड़े भी रखी है अपनी वर्जिश के साथ साथ। इन्होंने जब ये कीमतों के बारे में बताया मुझे, तो मैं हैरान और सस्पेंस रह गया, क्योंकि बहुत ही बड़ी कीमती जो है इन्होंने इसकी कीमत बताई। तो चाचा जी, कौन सी नस्ल है ये? ये यही है से। ये कितने की पड़ती है जनाब एक, अगर हम इसको खरीदेंगे? अगर आप इसको, अगर भेड़ू होगा, बड़ा अच्छा। होगा इसका जो साइज मैंने अभी दिखाया था, वो बड़ा, वो पीछे जो वो बड़ा वाला है। अच्छा, ये तकरीबन एक लाख से ऊपर ऊपर होगा। अच्छा, अगर बड़ा इसका भेड़ू होगा तो ये एक लाख से ऊपर जाएगा। ऊपर से एक लाख ऊपर से जाएगा। तो बाकी कौन सी नस्ल है इसमें जो बड़ी बड़ी? यही नस्ल है सारी। तो कितना अगर एक नौजवान रखेगा इसको बड़ा, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा वो, कैसे? अगर वो दो तीन ये ले ले पहले। अच्छा। जो बच्चे देने वाली है। अच्छा, उनके उन पर तो बहुत आगे वो, उसको गर्लफ्रेंड मिलेगा आगे, उसको वो तरक्की करेगा इस पर। हमारे इसमें अच्छा पैसा है। माल पालना बहुत अच्छी चीज़। अच्छा, कितने का जाएगा ये? जैसे मेरे ये अगर इस वक्त जाएगा तकरीबन ये लगभग 20,000 से कम नहीं। अभी 20,000 इसकी एक की कीमत है, 20,000 बोल रहे हैं जनाब। हाँ, एक की कीमत। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी क्या कीमत? आपको पता ही है कितना, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर कहते हैं ये लाख रुपए लाखों में जाएगा। ये लाखों में फिर जाएगा। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा कारोबार है ये। अगर हम भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट रामन में बानीहाल में, क्योंकि वहाँ पे इससे ज्यादा अच्छी जगह, खुली जगह, बिल्कुल खुली जगह है, वहाँ पे अगर नौजवान वहाँ पे हम ये चीजें खरीदेंगे, जैसे 10-10 भेड़े हमने खरीदी है, खरीदेंगे तो फिर ऊपर जंगल भी हमें पहुँचा रहा है, और बहुत जगह होगा, बहुत बड़ा है वहाँ, तो वहाँ पे हम ये कर सकते, आसान हो जाएगा आपको। कैसे हम इनको ले सकते हैं, मतलब कोई डिपार्टमेंट वगैरह इसमें सब्जी वगैरह दे? नहीं नहीं, सब ये तो आम है, आज हो गई इधर कश्मीर में, तो कश्मीर में आम है, कश्मीर में आम है, तो डिपार्टमेंट भी अगर उससे फिसकता है, डिपार्टमेंट पैसे वैसा दे सकता है वो, अगर बिल्कुल। तो व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं रिंकल जो लैम मेरे हाथ में है, तो ये जब यही जब बड़ा हो जाता है रिंकल वाला, तो ये लाखों में बिकता है। इसका वेट भी है, हमने कास्ट में पिछली बार देखा था, तकरीबन 1 क्विंटल के आसपास इसका वेट बनता है। तो यहाँ पे ये चाचा जी थे और माल इन्होंने अपना लाया था, मैंने सोचा क्यों ना चिनाब वैली फार्मिंग के जो अपने व्यूअर है, कुछ न कुछ हम दिखाते रहते हैं, आज क्यों ना चाचा जी के साथ बात करते हैं, और आप लोग भी आराम से इस चीज़ को रख सकते हैं, क्योंकि हमारे भी डिस्ट्रिक्ट रामन में शीप के ऊपर जो बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो है बहुत एक्टिव है इस मामले को लेकर। तो आप डिपार्टमेंट ऑफ हस्बेंड्री जो शीप हस्बेंड्री है, अगर उनके पास आप जाएंगे इस नस्ल के लिए भी, अगर आप अप्लाई करेंगे, हो सकता है वो आपको कहीं पे इस पर कि कहीं पे कहाँ पे है ये, या किसी भी ज़मींदार का यहाँ पे आपको कश्मीर में कॉन्टैक्ट देंगे, आप 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसे 5 में स्टार्ट कर सकते हैं, या 20 से स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी ये हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चाचा जी, क्या है आपको हमारे बानिहाल को लोगों को क्या बोलेंगे आपको? अगर बस ठीक है उनके लिए तो ठीक है, बहुत अच्छा। जमीन हमें वहाँ खुली डुली है, खुली है जमीन वहाँ, तो जंगली एरिया है, उसमें पालना आसान है, वहाँ आसान रहेगा पालना, बिल्कुल। तो शुक्रिया, वीडियो को लास्ट तक शेयर जरूर करें, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो